आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कड़े मुकाबले में भाजपा की पार्वती दास ने जीत लिया बागेश्वर का रण। बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर ली। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को 2405 मतों से हरा दिया। पार्वती को 33,247 और बसंत को 30,842 मत मिले। UKD उपा और सपा प्रत्याशी को जमानत जब्त हो गई। पार्वती बागेश्वर से 4 बार विधायक रहे स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी हैं। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक प्रारंभ समिति को भेजा तो विधानसभा सत्र के दौरान सदन में चर्चा के लिए पेश चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से प्रारंभ समिति को भेज दिया गया। 6 राज्य की 7 में से 3 सीटें भाजपा को तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भाजपा और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए मिले जुले रहे। UP की घोसी सीट पर सपा को जीत मिली। प्रदेश में आज भी बारिश की चेतावनी तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून बागेश्वर पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में कहीं कहीं बारिश और गर्जना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा टिहरी पौड़ी और हरिद्वार जिले के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है जबकि अन्य जिलों में भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। स्नातक में दाखिले के लिए फिर खुलेगा पोर्टल। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं अंक सुधार परीक्षा पास करने वाले 6,923 छात्रों के लिए सरकार ने एक और राहत भरी खबर दी है। इन छात्रों को स्नातक में दाखिला देने के लिए समर्थ पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री हंस सिंह रावत से बातचीत की राज्य विश्वविद्यालय व संबंध कॉलेजों में स्नातक की करीब 13,000 सीटें रिक्त हैं। इस बीच अंक सुधार परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। इसमें 12वीं में 6,923 छात्र छात्राएँ और पास हो गए हैं। इससे स्नातक दाखिले के लिए सरकार दोबारा समर्थ पोर्टल खोलने जा रही है। G20 दिल्ली में 2 दिनी शिखर सम्मेलन आज से तो दुनिया की 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 के सदस्य देशों का 2 दिनी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शनिवार से शुरू होगा। शिखर सम्मेलन को मुख्यतः 3 सत्रों में बांटा गया है, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष समेत कई वैश्विक नेता दिल्ली पहुँच गए हैं। भारत अमेरिका विश्व की चुनौतियों के साथ लड़ेंगे तो मोदी से मुलाकात में बाइडेन ने UNSC में स्थायी सीट पर समर्थन दिया। अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक सदन से पारित तो मानसून सत्र के 3रे दिन शुक्रवार को 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पारित हो गया। इससे रुके हुए विकास कार्यों को जल्द बजट उपलब्ध हो सकेगा। यूक्रेन पर केंद्र के रुख से पूर्व PM मनमोहन सहमत हुए। मणिपुर में फिर हिंसा भड़की, 2 मरे तो मणिपुर के तेंगलोपल जिले में शुक्रवार को फिर हिंसा भड़क गई। यहां पर लेल इलाके में गोलाबारी की घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, लगभग 50 अन्य घायल हो गए। दिल्ली में विमान की आपात लैंडिंग की गई। विश्व के समावेशी विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा G20 सम्मेलन। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत का लहराया परचम। आंदोलनकारी आरक्षण का बढ़ेगा दायरा। सारी दस्ता परीक्षा अब अक्टूबर में होगी तो राज्य लोक सेवा आयोग के वन आरक्षी परीक्षा 2022 के अंतर्गत प्रस्तावित सारी कर्ता एवं दस्ता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब इस परीक्षा को अक्टूबर में कराया जाएगा। NEET UG की काउंसलिंग का 3रा चरण शुरू तो HNB मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित NEET UG की काउंसलिंग का 3रा चरण शुक्रवार देर शाम से शुरू हो गया। अल्पसंख्यक आयोग की मसूरी में बैठक 16 को होगी। BSF जवान के बंद घर में नकदी और गहने चोरी तो रायपुर में BSF कर्मचारी के बंद घर के ताले तोड़कर चोर नकदी और गहने ले गए। देहरादून में डेंगू मरीज 600 पार, 13 साल की किशोरी की मौत तो देहरादून में डेंगू से संक्रमित मरीजों एवं मौत की संख्या बढ़ना चिंता का सबब बना हुआ है। दून में डेंगू मरीजों की संख्या 600 से ऊपर पहुंच गई है। वहीं अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। दून अस्पताल में 13 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। दून अस्पताल के DMS डॉक्टर धनंजय डोभाल ने बताया कि 13 वर्षीय किशोरी को 6 सितंबर को भर्ती कराया गया था। वह निजी अस्पताल से रेफर होकर आई थी। गंभीर स्थिति में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। दून अस्पताल में 3री मौत डेंगू के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने बताया कि शुक्रवार को 22 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। 38 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक जिले में 611 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू जांच रिपोर्ट में मनमानी का खुलासा नोटिस जारी तो दून में निजी अस्पतालों में और लैबों द्वारा डेंगू जाँच रिपोर्ट में मनमानी का खुलासा हुआ है।
शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च हुआ। तो हिमवंत फिल्म सोसाइटी ने शुक्रवार को दून में ग्रेटर नोएडा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च किया। दून समेत चार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के दून समेत चार जिलों में शनिवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि शनिवार को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश एवं सभी जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तेज दौर होने की संभावना है। BMS डॉक्टर कर रहा था एलोपैथी की प्रैक्टिस। तो दून के DM के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अजबपुर चौक पर BMS चिकित्सक डॉक्टर SS रावत की क्लिनिक का निरीक्षण किया। यहां पर वह आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के बाद भी एलोपैथिक की प्रैक्टिस कर रहे थे। दून अस्पताल में कई कर्मचारी बीमार हुए। तो दून अस्पताल में कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। लैब, आयुष्मान विंग, रेडियोलॉजी OPD बिल्डिंग, OT बिल्डिंग, इमरजेंसी में कई डॉक्टर एवं कर्मचारी की तबीयत खराब है। कई लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। दून कोरोनेशन में व्यवस्थाएं सुधारें। डेंगू की रोकथाम के लिए मेयर ने संभाला मोर्चा। दून में बारिश ने बढ़ा दिया डेंगू का खतरा। तो दून में बारिश के कारण डेंगू के मामले बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। खास तौर में जिन इलाकों में बारिश का पानी रुक रहा है वहां लार्वा पनपने की आशंका बढ़ गई है। शुरुआत से फिनिशिंग लाइन तक देखी मुख्यमंत्री धामी की रणनीति। चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भाजपा ने बागेश्वर उपचुनाव में भी विजय का परचम फहराया। भाजपा की इस जीत में शुरुआत में फिनिशिंग लाइन तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रणनीति दिखाई दी। कांग्रेस भिड़ती दिखी लेकिन जीत नहीं पाई। तो बागेश्वर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के सीधे मुकाबले में कांग्रेस भिड़ती दिखाई दी लेकिन कुछ वोटों के अंतर से जीत उससे दूर हो गई। चार बार जीती, पांचवीं बार में लड़खड़ाती दिखी भाजपा। विधायकों का कैसा हो सम्मान, अफसरों को सिखाएं संस्थान। तो विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को अपने चैम्बर में किया तलब, नाराजगी जताई। विधायकों को 10-10 प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई हो। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया। विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए किया गया स्थगित। तो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया। सत्र के तीसरे दिन सरकार ने उत्तराखंड विनियोग का अनुपूरक विधेयक समेत 11 विधेयक ध्वनिमत से पारित किया। विधानसभा की कार्यवाही देर रात तक चली। प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी दून अस्पताल में भर्ती हुए। आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए प्रदेश में बनेगा लैंड बैंक। अभिभावक और जनप्रतिनिधि की सहमति से बनाए जाएंगे क्लस्टर स्कूल। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा। अभिभावक जनप्रतिनिधि की सहमति से ही क्लस्टर स्कूल बनाए जाएंगे। इन स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल समेत तमाम सुविधाएँ होंगी। सदन में राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दे पर भावुक हुए मंत्री अग्रवाल। फसलों को हुए नुकसान पर घिरे कृषि मंत्री। पुलिसकर्मियों को मिल रहे वेतन विशेष भत्ते। तो विधानसभा में शुक्रवार को विधायक उमेश कुमार ने नियम 58 के तहत पुलिसकर्मियों को कम वेतन भत्तों का मुद्दा उठाया। अघोषित बिजली कटौती पर गरमाया सदन कांग्रेस मुखर। तो कांग्रेस का सवाल, किस ऊपर वाले के सारे पर प्रदेश में हो रही 8 से 10 घंटे तक की कटौती। चंद्रयान की सफल लैंडिंग और G20 की सफलता पर सदन में आया धन्यवाद प्रस्ताव। स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर प्रीतम और प्रेमचंद्र में तीखी नोकझोंक हुई। जंगली सोरों को काबू करने के लिए सरकार शुरू करेगी मिशन लाल लोमड़ी। चीफ इंजीनियरिंग को 28 बार मिलाया फोन लेकिन नहीं आया कोई जवाब। तो विधानसभा सत्र के दौरान चकराता के विधायक कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि PMGSY के चीफ इंजीनियर को करीब 28 बार फोन मिलाने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पौड़ी के प्रभारी मुख्य कृषि अधिकारी को हटाया गया। वन विभाग में सहायक वन संरक्षकों के तबादले, तो 10 ACF को किया गया इधर से उधर। पीएम मोदी अक्टूबर में आ सकते हैं पिथौरागढ़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में पिथौरागढ़ आ सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री अपने भ्रमण के दौरान प्रसिद्ध नारायण आश्रम और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को नारायण आश्रम में विश्राम करेंगे।
हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की बन रही DPR, केदारनाथ के लिए सुचारू होगी हेली सेवा। नई हुई गवाही 15 को सुनवाई तो अंकित हत्याकांड में शुक्रवार को होने वाली गवाही वकीलों के कार्य बहिष्कार से नहीं हो सकी। पसोल गांव के दीपेंद्र जम्मू कश्मीर में शहीद, तो बीरो खान विकास खंड के पसोल गांव का बेटा राइफलमैन दीपेंद्र सिंह रावत पुत्र राजेंद्र सिंह रावत जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। चार धाम रेल परियोजनाओं और दून रेलवे स्टेशन के विस्तार पर मंथन, तो संसदीय समिति के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। पिटकुल के MD को समन जारी किया गया, महिला को मुकदमा न लड़ने की मिली धमकी। डेंगू के साथ अब चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस का भी प्रहार, तो दून अस्पताल में स्क्रब टाइफस और निजी अस्पताल में मिल चुका है चिकनगुनिया का मरीज। लैब दे रही प्लेटलेट्स की गलत रिपोर्ट, 4 को नोटिस भेजा गया। डेंगू के 22 नए मरीज, 1 की मौत हो गई। बकरी का दूध 400 रुपये पाव, नारियल 70 में, तो डेंगू मरीजों में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बकरी का दूध, पपीते के पत्ते का रस और गिलोय के सेवन की सलाह दी जा रही है। इस कारण बकरी का दूध 400 रुपये पाव बिक रहा है, मांग के अनुसार भी दूध नहीं मिल पा रहा। नारियल पानी और कीवी की मांग 40% तक बढ़ी है, कीवी 50 रुपये प्रति पीस और नारियल 70 रुपये प्रति पीस बिक रहा है। एलोपैथी का प्रैक्टिस कर रहे आयुर्वेद डॉक्टर को नोटिस भेजा गया, आधे घंटे की बारिश से भी नहीं गिरा दून का तापमान। झूले में युवती से छेड़खानी, भाई ने विरोध किया तो बुरी तरह पीटा, तो देहरादून से खबर है। झूला झूलते हुए पीछे बैठे युवकों ने युवती से छेड़खानी शुरू कर दी। इसका जब उसके भाई ने विरोध किया तो युवकों ने उसे इतना मारा कि वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। बीच बचाव करने आई बहन और चाची के साथ भी युवकों ने मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने 3 नामजद और 8-10 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना प्रेम नगर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम हुई। ग्लोबल समिट से पहले दून में होगा निवेशक सम्मेलन। कॉलेज में समानता के लिए अब हर साल नहीं होगी निरीक्षण प्रक्रिया, तो लंबी प्रक्रिया होगी खत्म। समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 पदों के लिए आवेदन शुरू, तो प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू कर दिया। 29 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 53, सहायक समीक्षा अधिकारी के 60, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 8, सहायक समीक्षा अधिकारी के 2, राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 8, सहायक समीक्षा अधिकारी के 6 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। तो ये होगा शुल्क, तो जनरल OBC EWS के लिए 222 रुपये, वहीं SC ST के लिए 102 रुपये, वहीं दिव्यांग के लिए 22 रुपये शुल्क होगा। यहाँ होगी भर्ती तो अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खडीमा, बागेश्वर, श्रीनगर, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की में पेपर होंगे। 11 को मिला रोजगार और 4 छात्र करेंगे स्वरोजगार, तो SMGN कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने बताया कि कॉलेज में MCOM चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत रहते हुए फाइनल परीक्षा से पूर्व को 45 छात्राओं में से 11 छात्राओं के विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों में चयन हुआ है। अटका जर्जर स्कूल भवन का निर्माण, जोखिम में बच्चों की जान, तुर्की से खबर है। 6 महीने से आया हुआ है नए भवन के लिए बजट नहीं मिली NOC। PhD के लिए साक्षात्कार 11 व 12 को, तो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 11 व 12 सितंबर को साक्षात्कार में प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड अंक सुधार परीक्षा का परिणाम जारी, तो राज्य में पहली बार आयोजित उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 20,513 में से 15,703 छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में 6.87% और बढ़ोतरी हुई है और यह 92.04% पहुँच गया है। इंटरमीडिएट में 5.60% बढ़ोतरी के साथ यह परिणाम 86.57% हो गया है।
बॉडी बिल्डिंग उत्तराखंड की प्रतिभा ने नेपाल में जीता कांस्य पदक। छात्रों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के गेट पर लगाया ताला तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्रों ने शुक्रवार सुबह 9:30 बजे गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर लगे गेट का तालाबंदी कर जमकर प्रदर्शन किया। दौड़ में शामिल होने के लिए देना होगा स्वच्छता का घोषणा पत्र। तो राज्य लोक सेवा आयोग अक्टूबर माह में कराने जा रहा शारीरिक दस्ता परीक्षा। तो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर भर्ती की शारीरिक दस्ता परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य की जांच कराने के बाद स्वस्थ होने का स्वघोषणा पत्र देना होगा। इसके साथ ही अभिभावकों की ओर से भी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई आने पर स्वयं जिम्मेदार होने का शपथ पत्र लेकर जाना होगा। बीपीएड एमपीएड में प्रवेश के लिए वरीयता सूची जारी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए बीपीएड और एमपीएड में छात्रों की वरीयता सूची जारी हो गई है। मूल्यांकन शुल्क कम करने की मांग के लिए दिया ज्ञापन। पौड़ी जिले के छात्र सीखेंगे चीनी भाषा। मेडिकल कॉलेज में दिखाई जाएगी गढ़वाली फिल्म जय माँ धारी देवी। ऐसा क्यों, सीएम के आदेश पर भी नहीं रेंग रही जूं। तो आईएसबीटी मुख्यमंत्री धामी ने 58 दिन पहले दिए थे सड़कों को सुधारने के निर्देश, हालत आज भी जस के तस हैं। फरार चल रहे शराब तस्कर को पकड़ा गया। देर रात बिजली गिरने से पेंट हाउस तबाह हुआ। ब्लैक मार्केट से स्टाम्प की खरीद फर्जी बनाने की भी आशंका। ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर के 2.38 लाख रुपए ठगे गए। डिजाइन देखने के बहाने ठग ले गए सोने के गहने। बीएसएफ कर्मी के मकान का ताला तोड़ गहने नकदी चोरी किए गए। दून में अधिवक्ता रहे हड़ताल पर। नियुक्ति न दिए जाने का विरोध। उत्तराखंड परिवहन निगम के मित्रक आश्रितों की बैठक गांधी रोड पर हुई। दून में बौछारों ने गर्मी से दी राहत, आज भारी वर्षा के आसार हैं। तो देहरादून समेत कई क्षेत्रों में बौछारों का दौर शुरू हुआ। सहधारा रोड पर आकाशीय बिजली गिरी। भूमि अभिलेखों में जालसाजी, एसआईटी जांच की सिफारिश की गई। भूमाफिया कुंवरपाल सिंह को दून लेकर पहुंची पुलिस। मेले में दबंगों ने युवती को छेड़ा, भाई को पीटा। तो मेले में घूमने गई युवती को कुछ दबंगों ने छेड़ दिया। युवती के भाई ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। प्रेमनगर थाना पुलिस ने 3 नामजद सहित 13 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अस्पतालों में तैनात किए जाएं अतिरिक्त स्टाफ। डेंगू पीड़ितों के लिए एकत्र किया 100 यूनिट रक्त। विस्थापन की कगार पर पहुंची ग्राम सभा जमरगड्डी। तो 5 वर्षों में 4 बार अतिवृष्टि का दंश झेल चुकी है ग्राम सभा जमरगड्डी। सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों के प्रति जागरूक किया। चमोली गोपेश्वर मार्ग पर ट्रक में खराबी आने से लगा जाम। ड्यूटी में तैनात बीरोखाल विकासखंड के सैनिक की गोली लगने से मौत, मातम। तो बीरोखाल विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पसोल निवासी सेना के एक जवान की ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। जाम से निपटने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। परिस्थितिकी और आर्थिकी में समन्वय से चिरंजीवी होगा हिमालय। भाजपा जीत गई पर मंथन को मजबूर कर गया उपचुनाव। तो बागेश्वर उपचुनाव में जोरदार टक्कर। दोनों दलों के लिए आगामी लोकसभा व निकाय चुनाव के लिए भी संकेत दिए। टिहरी में न्यायिक कार्यों से विरत रहे अधिवक्ता किया प्रदर्शन। द्वाराहाट महाविद्यालय में हंगामा। तो वार्षिक पद्धति आधारित परीक्षाएं आधार में लटकने से फूटा छात्रों का गुस्सा। कांडा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। क्वारब के पास अब भी बना पहाड़ दरकने का खतरा। दिल्ली में हुए कैद नैनीताल आकर मिली आज़ादी। तो G20 सम्मेलन के चलते सरोवर नगरी में उमड़े सैलानी। होटल और गेस्ट हाउस पैक हुए। रेड क्रॉस सोसाइटी ने रखा 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य। हल्द्वानी के साथ हो रहा सौतेला व्यवहार, सीढ़ियों पर बैठे सुमित।
सदन में उठा भीमताल क्षेत्र की सड़क और स्वास्थ्य का मामला। हनीमून में खटास, बीबी को छोड़ भागा पति। तो हनीमून मनाने नैनीताल आए पर्यटक दंपति के बीच शुक्रवार को किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्साया पति नव विवाहिता को छोड़कर चला बना। मॉल रोड पर भटकती विवाहिता को पुलिस ने घर भिजवाया। नव दंपति दो दिन से यहाँ के एक होटल में ठहरा हुआ था। युवक को घेर कर छुरे से किया हमला गंभीर। तो वनबलपुरा निवासी युवक पर छुरे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। रेरा के विरोध में उमड़ा रैला, भरी हुंकार। तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के नियमों के विरोध में शुक्रवार को किसानों से लेकर रियल एस्टेट कारोबारियों का रेरा रैला सड़क पर उतर आया। उत्पीड़न से कार्य बहिष्कार पर अधिवक्ता। वर्षा ने गर्मी से दी राहत, आंधी ने 15 घंटे तक बिजली उड़ाई। तो मौसम का मिजाज गुरुवार देर रात अचानक बदल गया। अंधड़ चलने के साथ मूसलाधार वर्षा भी हुई। बारिश होने के चलते हल्द्वानी क्षेत्र में गर्मी से राहत मिली। खाते से निकाले 8.50 लाख दोस्त पर केस दर्ज किया गया। हल्द्वानी में दो लोगों से ठगे 1.60 लाख रुपये। विकासनगर में हापुड़ पुलिस के खिलाफ वकीलों ने किया प्रदर्शन। साक्षरता दिवस के महत्व को बताया। मत कीजिए मोटर से मस्ती, जिंदगी नहीं है इतनी सस्ती। कोतवाली पुलिस पर आबकारी विभाग ने खड़े किए सवाल। विकासनगर में डेंगू के 4 नए मरीज मिले। गेंदे के फूल से सजेगा महासू देवता का मंदिर। 4 दिन बाद अपकृत किशोरी बरामद। सैला कोई से खबर आई है। पर्यटकों के उमड़ने से चकराता रहा गुलजार। चकराता में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। खाई में गिरा वाहन, 4 घायल। तो चंपावत से तल्ला देश की ओर जा रही जीप रमेला ढुलकोट के पास खाई में गिर गई। हादसे में वाहन में सवार 4 लोग घायल हो गए। वन बसा में भाजपा ने स्टालिंग का पुतला फूंका। महाकाली में होने वाले एंगलिंग की फीस बढ़ाई गई। यूएस नगर में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। तो काशीपुर से खबर आई है। ससुराल वालों ने महिला को बच्चे समेत घर से निकाला। रेल परियोजनाओं पर मंथन को पहुंची कमेटी। घर बैठे कमाई के झांसे में गवाए 2.38 लाख रुपए। स्कूटी चोरी के 2 आरोपी पकड़े गए। हल्द्वानी में हल हंसिया संघ किसानों की हुंकार। तो रेरा का नियम वापस लेने की मांग करते हुए निकाली रैली। हनीमून को नैनीताल पहुंचे युवक पत्नी को छोड़ गया। नदी में गिरने वाले नाले पर लगेगी एसटीपी। 9 कुमाऊं रेजिमेंट ने धूमधाम से मनाया महाराज के दिवस। निरंजनपुर मंडी में चली अतिक्रमण पर जेसीपी। तो करीब 60 ठेनियां, 15 से अधिक अवैध फाड़ हटाए गए। वही खबर है, देहरादून से ऑटो की टक्कर से घायल महिला की मौत। मसूरी रोड पर ऑटो की टक्कर से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। वकीलों ने लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। रुड़की क्षेत्र में डेंगू के 57 संदिग्ध मरीज मिले। पौड़ी में आउटसोर्स कर्मचारियों का डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। चिन्याली स्वर्ण कॉलेज के छात्र मांगों को लेकर धरने पर बैठे। छात्रों ने 5 घंटे तक विश्वविद्यालय में नहीं होने दिया काम। पौड़ी जिले के स्कूलों में चीनी भाषा में दक्ष होंगे छात्र। रुद्रपुर के गांव में फैक्ट्री से 11 कट्टे पॉलिथीन पकड़ी सील किया गया। वहीं खबर है, काशीपुर से बाइक सवार युवक के हादसे में मौत हो गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय में मिलिट्री साइंस की पढ़ाई शुरू होगी। उत्तरकाशी के लोक गायक मनोज सागर के गीतों पर थिरके लोग। दूध मक्खन की होली खेल मनाया कृष्ण जन्मोत्सव। मनीषा एनसीसी नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयनित हुई। पिथौरागढ़ से मुंशारी तक व्यापारियों के सामने संकट। तो जिला मुख्यालय में घाट NH से लेकर बड़ावे तक अतिक्रमण चिन्हित किया गया। वार्षिकोत्सव डिग्री कॉलेज में युवाओं ने जमाया रंग। पिथौरागढ़ के 123 बच्चे सुधार परीक्षा में भी नहीं हो पाए पास। आंधी से बिजली ठप, पानी को भी तरसे लोग। तो गुरुवार रात तेज आंधी के दौरान सप्लाई लाइन से पेड़ की टहनी टकराने से बाधित हुई आपूर्ति। कालाडुंगी में गुरुवार रात आंधी के दौरान वाहन पर गिरा पेड़। सभासद के घर में घुसा गुलदार। तो भवाली से खबर रही है, आए दिन खराब हो रही रोडवेज की बसें। फौजी के ATM से दोस्त ने 8.50 लाख रुपये उड़ाए।
12 सेशन के प्रत्याशियों ने किया अधिवक्ता हित के दावे। वहीं खबर है कांडा से, युवक की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या की आशंका जताई। अल्मोड़ा एसएसजे के पास पड़ा मिला युवक का शव, तो एसएसजे विश्वविद्यालय गेट के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। दून स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों पर सदन में तीखी नोकझोंक हुई। 8 घंटे बिजली कटौती, उद्योग यूपी कर रहे पलायन। मांगे नहीं सुनी तो छात्र ने विश्वविद्यालय के गेट पर लगाया ताला, तो श्रीनगर से खबर आई है। पसवल गांव के दीपेंद्र जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। ग्राम प्रधानों ने दी सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। झूलते तार से लगा करंट डंडी से पहुंचाया अस्पताल, तो देवाल से खबर आई है। दहशत बरकरार, फिर दो जगह दिखा गुलदार, तो श्रीनगर से खबर है। ढिकाल गांव के समीप चमनकोट और रेवड़ी में दिखी चहलकदमी, बाइक के पीछे लगाई दौड़। ध्यानियों ने किया मां नंदा के दर्शन, रवाना होगी डोलियां। चमोली गोपेश्वर मार्ग पर ट्रक ने 3.5 घंटे तक लगाया ब्रेक। सीएमओ का वेतन रोका तो गौशालाओं के लिए प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाने पर कार्रवाई की गई। स्कूल नहीं होंगे बंद, जनप्रतिनिधियों की सहमति से बनाए जाएंगे क्लस्टर स्कूल। मांगे नहीं सुनी तो छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर लगाया ताला। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की बन रही डीपीआर, महिला और बच्चे को बंदरों ने किया घायल। ग्रामीणों ने डीएम से की नशा तस्करों पर कार्रवाई की मांग। जिले में रैपिड जांच में 54 में डेंगू की पुष्टि हुई। बिजली चोरी के दोषी को 4 माह की कैद हुई। युवती की मौत मामले में अस्पताल सील किया गया। धोखाधड़ी से ठगने वाले 4 लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया। घायल अस्पताल कर्मी की मौत, मुकदमा दर्ज। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, जांच शुरू की गई। सड़क दुर्घटना में मौत पर बाइक सवार पर मुकदमा दर्ज किया गया। आबकारी टीम ने नष्ट किया लाहन। डेबिट कार्ड की वैधता खत्म होने का झांसा देकर ठगी की गई। रुड़की में खुलेगा जेल का पहला पेट्रोल पंप। बिजली पानी का सिस्टम ध्वस्त, जनता हुई त्रस्त। डेंगू के बचाव को 41 टीम लगाई, 6 नए मरीज मिले। फौजी दोस्त को दिया धोखा, फावड़े और हल लेकर गर्जे किसान, रैली निकाली, 100 घंटे का अल्टीमेटम दिया। गोल्डन कार्ड योजना पर चर्चा की गई। जाते जाते उग्र तेवर दिखा रहा है मानसून। विदाई का मानसून बदरा दिखा रहे तेवर, तो सीमांत जिले के आधी रात को बादल की गरज से सहमे लोग। अस्वस्थ प्रसूता को हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ पहुंचाया गया। टनकपुर में आईएसबीटी का निर्माण शुरू हुआ। सेना ने पैदल रास्ता बंद किया तो फंस गए ग्रामीण और विद्यार्थी। तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर रही है, मुख्य सड़क और चौबटिया नाग पानी देहुली मार्ग बंद करने पर 4 घंटे तक परेशान होना पड़ा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 20 दिन से अल्ट्रासाउंड जांच ठप, मरीज बेहाल हैं। अल्मोड़ा बागेश्वर में 2 युवकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नशे में 23 सवारी बैठाकर दौड़ा दी बेलोरो, जान आपत में फंसी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए। विद्यार्थियों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन। बैक परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करने की मांग की गई। 3 दिनी स्काउट गाइड शिविर सेवा शुरू हुई। पॉलिथीन की फैक्ट्री सील, तुरुदपुर से खबर आई है।